हाय गाइस, स्वागत है द न्यू ट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम बात करेंगे हमारी सबसे हॉटेस्ट लिस्ट के बारे में, टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 10 से 15000 रुपए के रेंज में इस महीने। ये रेंज हमारी सबसे धमाकेदार होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास कॉम्पिटिशन होता है डिवाइसेस के अंदर और सबसे ज्यादा लोग फोन खरीदते हैं इस रेंज में। अब जितने ज्यादा डिवाइसेस आते हैं उतना ही कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो आपका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इस रेंज में टॉप 5 फोन्स कौन से हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए बाकी भी लिस्ट बना दी है, एक तो जिसके लिए बहुत ज्यादा मेरे को कमेंट्स आ रहे थे, टॉप 5 फोन्स 7000 रुपए के बजट में, वो लिस्ट मैंने बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा जो भी मैं बाकी की लिस्ट बनाती रहती हूँ हर महीने की, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 5th पोजीशन से। 5th पोजीशन पर आता है हमारे पास सैमसंग की तरफ से एक भरोसेमंद डिवाइस जो कि है सैमसंग M30। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सैमसंग का डिवाइस लेना होता है, वो इसी ब्रांड पर विश्वास करते हैं, तो उनके लिए M30 हमारे पास इस रेंज में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनकर आता है। इसके अंदर आपको मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिटी यू नॉच में। इसका डिस्प्ले बहुत ही मजेदार लगता है, वीडियोस देखने में, मूवीज देखने में, गेम खेलने में, हर एक चीज में आप इसके डिस्प्ले को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ब्राइट कलर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर, ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे मिलते हैं, तो डिस्प्ले तो इस डिवाइस का हमारा मेजर हाईलाइट है। अब उसके अलावा जो बढ़िया चीज है वो है इसकी 5000 mAh की बड़ी बैटरी और उसके साथ 15 वॉट का फास्ट चार्जर। इस डिवाइस का मैंने ड्रेन टेस्ट किया है, चार्जिंग टेस्ट किया है, बहुत ही जबरदस्त बैटरी बैकअप मिलता है आपको और फास्ट चार्जिंग भी इसकी काफी सही है, डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ इसके बैक में हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप 13+5+5 का, आपको वाइड एंगल में मिलता है इसके अंदर, साथ ही पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है और पिक्स लेने के बाद भी आप बैकग्राउंड ब्लरिंग को चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी जो मेन लेंस से पिक्स आते हैं उनके अंदर भी हमें डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है, कलर्स बढ़िया मिलते हैं। और सेल्फी कैमरा जो है हमारा, वो भी हमारा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, उसकी पिक्स भी आप देख सकते हैं, बढ़िया लगेंगी आपकी, सैंपल्स आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है सैमसंग एक्सिनो 7904 का प्रोसेसर। प्रोसेसर हमें इतना सॉलिड नहीं मिलता, मतलब नॉर्मल अगर आपको डिवाइस को यूज करना है, छोटी मोटी गेम खेलनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए इतना बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि गेमिंग के लिए प्रोसेसर थोड़ा छोटा है। ये हमारा 14000 रुपए का डिवाइस है, इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में इन सभी डिवाइसेस की टेस्टिंग भी आप देख सकते हैं, सबकी टेस्टिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4th पोजीशन पे। 4th पोजीशन पर आता है हमारे पास सबसे पावरफुल डिवाइस इस रेंज का जो कि है हमारा Honor Play। इसके अंदर में मिलता है Kirin 970 का प्रोसेसर, उसके साथ GPU Turbo मिलता है। परफॉर्मेंस मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस आपको जो इस डिवाइस के अंदर मिलेगी वो इस रेंज में किसी में भी नहीं मिलेगी। आप PUBG को हाई सेटिंग्स पे स्मूथली खेल सकते हैं और भी कोई हैवी गेम खेलना चाहे तो वो भी आराम से आपके इस डिवाइस में चल जाएगी। साथ ही डिवाइस के अंदर में 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको कलर्स बढ़िया मिलेंगे, गेम खेलने में, वीडियोस देखने में आप डिवाइस को अच्छे से एंजॉय करेंगे। साथ में 3750 mAh की बैटरी मिलती है और उसके साथ आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। साथ में इस डिवाइस के अंदर हमें यूनी मेटल बॉडी मिलती है, तो डिवाइस आपको काफी सॉलिड लगेगा हाथ में होल्ड करने में। उसके साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है बैक में, साथ में आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलता है और उसके साथ 3.5 हेडफोन जैक भी दिया गया है, तो डिवाइस आपका लुक एंड डिजाइन वाइज तो बढ़िया है। साथ में कैमरास की अगर हम बात करें तो 16+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप बैक में है और 16 का फ्रंट में है सेल्फी कैमरा है। दोनों की पिक्स आप देख सकते हैं, सैंपल्स आपके सामने हैं, इनके अंदर हमारी पिक्स काफी सही आ जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको एक बढ़िया गेमिंग वाला डिवाइस चाहिए तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। ये हमारा 13000 रुपए का डिवाइस है लेकिन इसके ऊपर ऑफर्स आती रहती है, तो ये आपको 11700 रुपए तक मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये लेना हो तो नीचे ऑफर लिंक जो दिया है उसको चेक करें, अगर उस पर आज ऑफर नहीं आई हुई है तो एक दो दिन बाद चेक कर लें, ऑफर आती रहती है, बेटर रहेगा कि ऑफर में ही आप इस डिवाइस को खरीदें। अब इसके बाद नंबर 3rd पोजीशन पर आता है हमारे पास Realme की तरफ से Realme 3 Pro, जिसके अंदर हमें मिलता है Snapdragon 710 का प्रोसेसर, उसके साथ 4045 mAh की बड़ी बैटरी और Walk Charge 3। इस डिवाइस के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी गेमिंग के लिए। आप PUBG की सेटिंग्स को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, रिकमेंडेड पे ही खेलना पड़ेगा, लेकिन रिकमेंडेड पे भी परफॉर्मेंस हमें ठीक मिलती है,
और बाकी ओवरऑल डे टू डे यूजेज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी, साथ में बड़ी बैटरी भी मिल रही है और सबसे हाइलाइटिंग पॉइंट इसकी वोक चार्जिंग है, फटाफट से डिवाइस हमारा चार्ज होता है इसका, आप चार्जिंग टेस्ट जरूर देखिएगा। उसके साथ इस डिवाइस में 6.3 इंच का हमें फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन में, डिस्प्ले बढ़िया है, ब्राइट है, आपको मूवीज वीडियोस गेम्स बढ़िया नजर आएंगे इसके अंदर। साथ में कैमरा की बात कर ले तो 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है, उसमें भी हमारी पिक्स काफी सही आ जाती हैं और बैक में 16+5 का डुअल कैम सेटअप मिलता है। सैंपल्स आप देख सकते हैं आपके सामने हैं, हमें इसके अंदर काफी सारे मोड्स मिलते हैं, इफेक्ट्स मिलते हैं, तो हम अपनी काफी क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। अब इसके बाद इसकी कमी की बात करें तो हमें मिलती है प्लास्टिक बॉडी और उसके साथ माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, लेकिन साथ में आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, मतलब दो सिम कार्ड के बाद आप अपने मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और लुक वाइज डिवाइस देखने में काफी ठीक लगता है, मतलब प्लास्टिक बॉडी मिलती है तो इतना सॉलिड नहीं लगेगा डिवाइस आपको, लेकिन लुक वाइज डिवाइस हमारा काफी सही नजर आता है। मेरे हिसाब से आप इसके ग्रे कलर के लिए जाएं वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है, वैसे मैंने इसके ब्लू कलर की भी अनबॉक्सिंग करी थी। ये डिवाइस आपको मिल जाएगा 14,000 रुपए में, इसका खरीदने का लिंक, टेस्टिंग लिंक, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं। अब दूसरी पोजीशन पर आता है हमारे पास बैटरी और उसके साथ परफॉर्मेंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन डिवाइस है हमारा वीवो की तरफ से Z1 Pro। इसके अंदर आपको बड़ी बैटरी मिलती है 5000 mAh की, सॉलिड एकदम बैटरी बैकअप मिलता है और 18W का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है, तो डिवाइस का पहले तो बैटरी बैकअप बढ़िया है, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल गई तो फटाफट से चार्ज हो जाएगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 712 का आपको इसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाएगी, साथ में इसके अंदर आपको गेम स्पेस में काफी सारे पबजी की सेटिंग्स मिल जाती हैं, आप इसके अंदर हैप्टिक फीडबैक जो होता है डिवाइस का वो और बढ़ा सकते हैं ताकि गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत ही सॉलिड मिले। डिटेल में इस डिवाइस के बारे में जानना हो तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है पंच होल डिजाइन में, तो डिस्प्ले आपको डिफरेंट लगेगा, मतलब इस रेंज में इसका डिस्प्ले हमारा बहुत ही मजेदार है और उसके साथ बढ़िया लगेगा आपको यूज करने में भी डिवाइस। साथ में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में 16+8+2 का, उसके अंदर भी आपकी पिक्स बढ़िया आ जाएंगी, आपको वाइड एंगल भी मिलता है, पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो पंच होल के अंदर, उनके अंदर भी पिक्स आप देख सकते हैं कमाल की आती है हमारी, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो हमें मिल रहा है, आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट इफेक्ट्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी बढ़िया सेल्फीज ले सकते हैं और बैक से भी बढ़िया पिक्स ले सकते हैं। ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर भी हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है लेकिन बैक में ग्रेडियंट शेड जो हमें मिल रहा है वो देखने में बहुत ही प्यारा नजर आता है। साथ में इसके अंदर भी हमें वैसे टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, तो आप अपने दो सिम कार्ड के बाद मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये डिवाइस हमारा वैसे 15,000 रुपए का है लेकिन इसके ऊपर भी डिस्काउंट आता रहता है तो 14,000 रुपए तक ये आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दिया हुआ है। अब पहली पोजीशन पर आता है हमारे पास इस रेंज का कंप्लीट डिवाइस जो कि है हमारा Redmi का Note 7 Pro। इसके अंदर जो पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी प्रॉब्लम्स अपडेट के बाद अब ठीक हो गई हैं, तो इसीलिए ये बन जाता है हमारे पास इस लिस्ट का नंबर 1 फोन। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर डिवाइस भी है, मैं आपको फटाफट से बताती हूँ इसके अंदर हमारे मेन हाईलाइट फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले आता है स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस देगा आपको, चाहे पबजी देखें आप इसका या फिर नॉर्मली यूज करेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। साथ में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी और उसके साथ क्विक चार्ज 4 को वैसे डिवाइस हमारा ये सपोर्ट करता है लेकिन बैटरी बैकअप इसका हमारा बहुत ही सॉलिड है। उसके साथ आपको 6.3 इंच का डॉट नॉच डिजाइन मिलता है डिस्प्ले के अंदर फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ, तो डिवाइस के डिस्प्ले को भी आप अच्छे से एंजॉय करेंगे गेम्स के लिए, मूवीज के लिए, वीडियोस के लिए। उसके साथ आपको मिलती है प्रीमियम ग्लास बॉडी, मेरे हिसाब से रेड कलर के लिए जाना वो बहुत ही मस्त लगता है देखने में। उसके ऊपर आपको P2i की कोटिंग मिलती है तो हल्का फुल्का पानी भी अगर डिवाइस पे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमारे पास एक नया कलर आने वाला है मून लाइट कलर जो कि सिल्वरिश से लुक देगा, अगर उसकी अनबॉक्सिंग देखनी हो तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग जरूर करूंगी। उसके बाद कैमरा की बात कर लेते हैं, ये भी हमारा एक मेजर हाईलाइट है, 48+5 का डुअल कैमरा सेटअप बैक में मिलता है जिसके अंदर आपको सोनी का IMX586 सेंसर मिलता है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बैक कैमरा के पिक्स का तो कोई जवाब नहीं, बहुत सॉलिड पिक्स आती हैं आपकी, देख सकते हैं आप एकदम क्रिस्प डिटेलिंग होगी, बढ़िया कलर्स होंगे, एक्सपोजर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और इवन सेल्फी कैमरा भी ठीक है, काफी सही पिक्स ले लेता है। इसके बाद इस डिवाइस में कमी ये आ जाती है कि हमें हाइब्रिड स्लॉट मिलता है तो आपको चूज करना पड़ेगा मेमोरी कार्ड
डुअल सिम में। उसके बाद आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, साथ ही आपको 3.5 हेडफोन जैक भी मिल जाता है। लुक वाइज, डिजाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस हमारा बढ़िया है, कमाल का है। ये आपको 14,000 रुपए में मिल जाएगा। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो ये थे हमारे टॉप 5 फोन्स की लिस्ट। आगे मैं आप लोगों के लिए और भी बड़े बड़े वीडियोस लाती रहूंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।